भाजपा की लिस्ट जारी होने के साथ ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जयपुर शहर से जहां रामचरण बोहरा मौजूदा सांसद हैं और भाजपा के प्रत्याशी भी इस बार दोबारा चुने गए, वो अभी से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत खोले के हनुमान मंदिर तक पद यात्रा कर निकाली। इस मौके पर बोहरा का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया और इस दौरान हमारे संवाददाता ने की भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा से खास बातचीत। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। बीजेपी ने एक बार फिर से जयपुर शहर से मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा को अपना प्रत्याशी बनाया है और वहीं सांसद रामचरण बोहरा एक बार फिर से जयपुर शहर में कमल खिलाने के संकल्प के लिए अपने घर से समर्थकों के साथ खोले के हनुमान जी तक पैदल यात्रा निकालकर हनुमान जी के आशीर्वाद से फिर से कमल खिलाने का संकल्प ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है भाजपा जयपुर शहर से मौजूदा सांसद और प्रत्याशी रामचरण बोहरा, उनसे बात करेंगे। सर, पिछली बार भी जब आपको टिकट मिला था तो आप अपने समर्थकों के साथ अपने घर से खोले के हनुमान जी तक पद यात्रा निकाली थी और उसका आपको बाबा का आशीर्वाद भी मिला था जनता के साथ साथ, इस बार फिर से आपको टिकट मिलते ही आप वहाँ दरबार में पहुँचने बाबा के, किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, हम कोई भी शुभ कार्य चालू करते हैं तो गणेश जी को मनाकर और मेरे इष्टदेव हनुमान जी हैं उनको मनाकर, उनका आशीर्वाद लेकर और जयपुर की जनता का आशीर्वाद लेकर, जयपुर के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेकर, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद लेकर, प्रदेश के नेतृत्व का आशीर्वाद लेकर और वापस राजस्थान प्रदेश में 25 के 25 कमल खिलाकर और नरेंद्र मोदी जी को एक मजबूत सरकार बनाने के लिए यहाँ पर भेजेंगे ताकि हमारे देश का विकास हो, हम सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र वो हो, हमारे देश की सुरक्षा हो, हर दृष्टि से हम जातिवाद से मुक्त हों, हम भ्रष्टाचार से मुक्त हों और हम एक समृद्धशाली और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण कर सकें। नहीं, आप विजय का संकल्प ले रहे हैं, कमल खिलाने का संकल्प आप ले रहे हैं, लेकिन और कोई ऐसा संकल्प की जो जयपुर शहर के लिए आप ले रहे हो, जयपुर शहर की जनता के लिए आप ले रहे हो? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पानी का है और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने एक DPR बनवाकर और केंद्र में भेजी है और माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ 7 सितंबर को आए थे तो उन्होंने भी घोषणा की थी कि ईस्टर्न कैनाल योजना लागू हो और उसके लागू होने के बाद में यहाँ 13 जिले पानी से जिस तरह से भ्रष्ट फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मिल रहा है, किसानों को समस्या हो रही है, उन सब से मुक्ति मिले, तो पहला अहम मुद्दा यहाँ का पानी है, उस पानी को काम पूरा करेंगे। बाबा बोले जो आपका खोले के हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और एक बार फिर से उतने ही मार्जिन से आप जीत कराएंगे? देखिए, जयपुर की जनता को मैं नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाकर दिल्ली में भेजा है और मैं उम्मीद करता हूं कि वापस नरेंद्र भाई मोदी को एक शक्तिशाली बनाने के लिए, समृद्धशाली देश बनाने के लिए, समृद्ध के लिए नरेंद्र भाई को वापस चुनेंगे और कमल का फूल यहां से खिलकर और उससे भी अधिक मतों से यहां से जीत कर जाएगा। रामचरण बोहरा बाबा के दर्शन के साथ जयपुर शहर में कमल खिलाने का संकल्प ले रहे, साथ ही राजधानी जयपुर की जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने का भी संकल्प ले रहे हैं। कैमरा पर्सन नेमी पांचाल के साथ पिंटू सिंह नरू का A1 TV जयपुर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।